मुली कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कल भगवान का विवाह उत्सव मनाया गया, अब आप अपना मन भगवान में लगाएं। विवाह के बाद में प्रथम जो रानी है, महारानी है, पटरानी है, भगवान के कितने विवाह हुए थे? 108 से थोड़ा आगे बढ़ी, 16,000 और लगाइए तो भगवान के कितने विवाह हुए? 16,100 और ऊपर 8। और वैसे अगर गिनती की जाए, लो गोपाल जी आपके लिए बोले लड्डू गोपाल की। माता बहनों, मित्रों, भगवान सबके ही पति हैं, क्योंकि पति का मतलब केवल शादी वाला पति ही नहीं होता है, पति का मतलब होता है स्वामी से, मालिक से, रक्षा करने वाले से। तो भगवान सबके ही पति हैं, पति का मतलब है जो रक्षा करे, और भगवान से ज्यादा रक्षा कोई कर नहीं सकता। हम लोग 9 महीने, सब लोग 9 महीने माता के गर्भ रूपी जेल में रह करके आए, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु पक्षी, जीव चराचर, बोलो राधे राधे। तो भगवान ने ऐसे गर्भ में भी हमारी रक्षा की, वहां भी हमें खाने के लिए भोजन दिया, माता के पेट में ऑक्सीजन दी, सांस लेने के लिए हमारी सांसें चल रही थी, कैसी अद्भुत उनकी व्यवस्था है। जो भगवान कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। भगवान की प्रथम पटरानी रुक्मिणी जी से मैंने कल भी निवेदन किया था। रुक्मिणी जी कौन है? महालक्ष्मी की अवतार है। दिल से बोली जय श्री कृष्णा। महालक्ष्मी की अवतार है, और भगवान श्री कृष्ण कौन है? स्वयं परम नारायण है। बड़ी सुंदर द्वारिका पूरी सजाई गई, भगवान जब रथ में लेकर के, कल देखा था ना आपने, भगवान अपनी प्रिया का हाथ पकड़ के दौड़ लगा रहे थे ना, ले गए अपने जीवन साथी को दुष्ट शिशुपाल के चंगुल से छुड़ा कर, क्योंकि विवाह बंधन ऐसा होना चाहिए समझ से, और विवाह के लिए स्त्री को भी साधना करनी चाहिए और पुरुष को भी साधना करनी चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों शिव पार्वती की आराधना करने से अच्छा वर और वधू मिलती है। बोलो राधे राधे। भक्ति से ही मिलता है सब कुछ, आशीर्वादों से ही सब कुछ मिलता है। वो लोग धन्य हैं जिनके पति पत्नी के विचार आपस में मिलते हैं, और उनका घर नरक है जिनके पति पत्नी के विचार आपस में नहीं मिलते। गणित में संख्या आती है 36, हिंदी में 36 कैसे लिखा जाता है? हम तो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, तो ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे यूं, फिर एक पूछ, और 6 इसका बिल्कुल उल्टा।
तो ये 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा माने कि तू मुझसे मत बोल, मैं तुझसे नहीं बोलूंगी, ये हो गए 36। और इसके विपरीत 63। 63 जो हिंदी मीडियम पढ़े हैं, 63 में ऐसे सामने और 3 ऐसे बिल्कुल उसके सामने, तो ऐसी 63 वाली भक्ति होनी चाहिए, 63 वाला दाम्पत्य जीवन होना चाहिए। ऐसा तो शिव पार्वती का है, प्रथम श्रेणी का। भगवान ने विवाह किया, विवाह से प्रथम संतान हुई जिनका नाम था प्रद्युम्न जी महाराज। आप लोग बोल सकते हो प्रद्युम्न जी, सबसे नहीं बोल पाएगा प्रद्युम्न जी महाराज। धूप बत्ती की सेवा उधरी करी माता जी, धूप उधरी करी, हाँ धूप दिखा करके उधरी रख दी। एक धूप मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग अगर धूप की ही शौकीन है, आपको धूप करना अच्छा लगता है, तो देसी गाय माता, पता है ना आपको देसी गाय कैसी होती है, जिसकी कमर पे ऊपर उभार होता है, डील बना होता है, शिवलिंग समझ लीजिए, तो उसका गोबर छोटे छोटे से कंडे बनाए उसके गोल गोल, और वो सुखा ली ऐसे हाथ से बनाए, और वो धूप में सूख जाएगी राधे राधे को। हमारे प्रभु जी का बहुत स्नेह हमसे रहा कि इन्होंने हमको यहाँ पर सेवा का अवसर दिया, बाबा के चरणों में, संतों के चरणों में। और देखिए कैसे बीत गए 7 दिन, पता भी नहीं चला। और चहल पहल रही, बहुत भक्त लोग ने आकर के, तो जहाँ हरि कथा होती है, संत समागम होता है, संत वहां पे भक्तों का आवागमन भगवान कृपा करके लगाते हैं। अम्मा का कुछ रह गया था, हाँ गोपाल जी रह गए, बोलो बाकी बिहारी लाल की। भगवान के लिए घोषणा दी कि भगवान कंस को मारेंगे, भगवान के पुत्र के लिए भी घोषणा थी माता मैनो कि भगवान के पुत्र शंबरासुर असुर को मारेगा। शंबरासुर को जब पता लगा, ध्यान से सुनना एक एक शब्द, बोले नहीं कोई इधर उधर की बातें ना करे, कथा में जिसको बोलना है बाहर जाके बोले, बोलो जय श्री कृष्णा, यहाँ तो जय श्री कृष्णा राधे राधे जय श्री राम बोले, जब बुलवाने के लिए आपको बोला जाए। शंबरासुर ने गोपाल जी के प्यारे लाला, गोपाल जी श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी बन गए, उनको पालने में से उठाया और समुद्र में डाल दिया भगवान के बेटे को, लेकिन जागो रखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी। मछली ने उनको बालक को निगल लिया और शंबरासुर को शाप क्या था कि भगवान का पुत्र तुम्हें मारेगा। उसने तो ऐसे हाथ झाड़ दिया पानी में फेंक करके कि लो ने तो मैंने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु को कोई नहीं जीत पाया, मृत्यु को तो केवल भगवान अपने भक्तों को जिताते हैं, जैसे मीरा जी ने जीता था, नामदेव जी ने जीता था, तुकाराम जी ने जीता था, और भी सच्चे संत हैं। तो माता बहनों आप लोग एकाग्रता मुझे दीजिएगा, क्योंकि मेरे से कथा होती है एकाग्रता में, बस पिन ड्रॉप साइलेंट बैठ करके जब सुनेंगे आनंद, तब माँ सरस्वती कृपा करने के लिए आ जाती है।
बोली सरस्वती मैया की। आनंद के साथ मंगल। तो शंभरासुर ने सोचा कि मैंने अपनी मृत्यु को टाल दिया, लेकिन वो जो मछली, क्योंकि राक्षस तो था ही, मांसाहार करते हैं वो राक्षस ही तो होते हैं, मनुष्य दिखाई देते हैं बस वो, लेकिन जो मांस खाने वाले हैं वो राक्षस की ओर ही समझ लो जाएंगे। भगवान ने मनुष्यों के लिए हरी सब्जियां बनाई हैं, फल बनाए हैं, अच्छी अच्छी दूध की चीजें बनाई हैं, वो ही ग्रहण करें। और भगवान का नाम जपे, बोलो श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। ये भी सत्य है कि कलयुग में जन्मे हुए हम सभी लोग मंदास मंद मति हो मंद भाग्या विपद्रुता, मंद बुद्धि के हैं सभी लोग, और सभी मंद भागी हैं। मंद भागी ने जिनका भाग्य छोटा भाग्य है, लेकिन उनकी कृपा देखिए।